राजधानी दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में बुधवार को प्रभा खेतान फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और साहित्यकार लक्ष्मी मुरुदेश्वर पुरी की किताब स्वेलोइंग द सन का विमोचन किया गया। इस दौरान प्रख्यात अभिनेता कबीर बेदी भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस खास मौके पर लक्ष्मीपुरी और प्रकाशक डेविड दवीदार के बीच सवाल जवाब का सत्र भी चला, जिसमें लक्ष्मीपुरी ने बताया कि ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से, कब और कैसे मिली। उन्होंने अपने उपन्यास के किस्सों और पात्रों के साथ ही संत मुक्ताबाई की कहानी का भी जिक्र किया। लेखिका ने कहा कि उनकी नॉवेल इस बात पर प्रकाश डालती है कि छोटे शहरों के युवा कैसे खुद को रीइमेजिन करते हैं। इसके बाद उन्होंने आगे जिक्र किया कि कास्ट और वीर सावरकर के बिना किसी जाति वाले हिंदू राष्ट्र के विचारों से उनका नॉवेल किस तरह प्रेरित है। नॉवेल के पात्र बाबा, मालती, गुरु, कमला और राम हैं। लेखिका ने नॉवेल लिखने के विचार को लेकर एक बड़ा दिलचस्प वाकया शेयर किया। उन्होंने बताया कि इस नॉवेल का फर्स्ट ड्राफ्ट 1000 पेज का था, जिसे उन्होंने आईफोन पर लिखा था। बातचीत के अंत में लक्ष्मीपुरी ने मराठी और अंग्रेजी में द इवनिंग गॉडेस कविता भी सुनाई, जो उनके इस उपन्यास के पहले पेज पर भी मौजूद है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कबीर बेदी रहे। उन्होंने मंच पर लक्ष्मीपुरी की किताब की बहुत सी खास बातों का जिक्र किया, साथ ही इसके बाद उन्होंने इस नॉवल में से ही कविता पाठ भी किया।